कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता कर महाकाल घोटाले पर शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए खुलासा कर बताया कि उन्होंने जब पापियों के पाप का घड़ा भर जाता है तो भगवान भी स्वयं माया रचकर पाप का भंडा फोड़ कर देते हैं। अनुभव मुंजारे ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक का उद्घाटन किया था, तो वहीं झूठ की राजनीति करने वाली भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को श्रेय देने से पूरी तरह से इनकार कर दिया था। लेकिन अब जब बजरंग बली के भक्त श्री कमलनाथ की सेवा से प्रसन्न होकर पवन पुत्र हनुमान जी ने हवा चलाकर सारी सच्चाई उजागर कर दी, शिवराज सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह को अपने पाप छुपाने के लिए प्रेस वार्ता करके यह बताना पड़ा कि महाकाल लोक के भव्य निर्माण का संकल्प माननीय कमलनाथ का था। इसी प्रेस वार्ता में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम महाकाल लोक घोटाले में भाजपा के कारनामों को जनता तक लेकर आए हैं। महाकाल लोक घोटाला शिवराज सरकार का सबसे बड़ा पाप, बिना जांच किए ही घोटाले बाजों को क्लीन चिट देकर शिवराज सरकार ने खुद को घोटाले का सूत्रधार साबित किया है। अभी हमने देखा विगत दिनों हमारे देश के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें एक ज्योतिर्लिंग नेपाल में है, और 12 ज्योतिर्लिंगों में ही कहा जाता है कि भगवान शिव का साक्षात वास है। कलयुग में भी कहा जाता है कि भगवान शिव इन 12 ज्योतिर्लिंगों में वास करते हैं, और इन 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ज़्यादा जो सिद्धिदायक ज्योतिर्लिंग है वो है महाकाल। और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि महाकाल जो है हमारे मध्य प्रदेश में है, उज्जैन में स्थित है, और जहाँ पे देश और दुनिया से हजारों लाखों लोग विभिन्न प्रकार की मनोकामनाएं लेकर महाकाल बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सरकार कहने को तो धर्म की बात करती है, आस्था की बात करती है, सनातन धर्म को जागृत करने की बात करती है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कालों के काल महाकाल इनकी जो इनके जो परिसर में विगत दिनों जो महाकाल लोक का निर्माण किया गया, और उस निर्माण कार्य का जो अभी जैसा कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी और महासचिव प्रदेश श्रीमती पुष्पा बिसेन जी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री सम्माननीय कमलनाथ जी ने इसकी स्वीकृति दी थी, लेकिन वाहवाही और श्रेय लूटने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि शिवराज के राज में शिव मंदिर महाकाल में जो घोटाला हुआ है, जैसा कि राजा भाई अभी बता रहे थे, ये मामूली घोटाला नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में हम सभी लोग सनातन को मानते हैं, और सनातनी होने के नाते हम सब लोग की आस्था ईश्वर के प्रति, महाकाल के प्रति सबसे ज़्यादा है, और ऐसे समय में यह भ्रष्टाचार हुआ है जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने 351 करोड़ की स्वीकृति महाकाल लोक को बनाने की दी थी, और उसके बाद हमारी सरकार गिर गई और बीजेपी ने यह कार्य करवाया निर्माण कार्य। इस निर्माण कार्य में इतनी बड़ी धांधली, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, निश्चित है यह जो पाप इन्होंने किया है, इस पाप को जनता तो देख ही रही है, लेकिन जनता के साथ साथ महाकाल भी देख रहे हैं। ऐसे आपने देखा कि जो उज्जैन में जो महाकाल लोक का निर्माण किया गया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, अभी आपने देखा कि विगत कुछ दिनों पूर्व भी एक बहुत ही छोटी सी एक आंधी आई, तेज हवा चली, और जिस तरह से वहाँ पर जो सप्त ऋषि हैं या जो भी भगवान की प्रतिमाएँ हैं, भगवान शिव की प्रतिमाएँ हैं, वो टूटकर छत विक्षत हो गई। इससे जो एक अंदाज लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो धर्म की बात करती है, भगवान की बात करती है, भगवान के नाम पर वोट लेने की बात करती है, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर देखा गया महाकाल लोक में, जिस तरह से भ्रष्टाचार करके जो वहाँ पर मूर्तियों का निर्माण किया गया घटिया तरीके से, ये बहुत ही दुखद है। और जिस तरह से वहाँ पर जो सप्त ऋषियों की मूर्तियाँ टूटकर गिरी, खंडित हुई, उससे निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश के पूरे देशवासियों को कहीं ना कहीं पीड़ा हुई है, और इस बात की पीड़ा हम सबको भी है कि जिस तरह से धर्म के नाम पर इस तरह का भ्रष्टाचार बहुत ही गलत है,
और जो इसके पूर्व में इस महाकाल लोक का जो है भूमि पूजन भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। बालाघाट जिले से संजय अजीत की रिपोर्ट।